ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरिजन 2 ईयर्स का भी हो सकता है, 2 कंपनीज का भी हो सकता है। ऐसे 710 जो कवर करता है वो है 2 पीरियड्स यानी कि 2 ईयर्स का कंपैरिजन। 2 कंपनीज का कंपैरिजन ऐसे 710 कवर नहीं करता। दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन। वैसे तो इंफॉर्मेशन का बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, बट इस स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन का मतलब है अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। ये डेफिनेशन क्या बोलता है? अमाउंट एंड डिस्क्लोजर यानी कि इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड किसमें? करंट पीरियड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इंफॉर्मेशन जो हम इंक्लूड करते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन? वन और मोर प्रायर पीरियड की। ठीक है, अगर हम लोग प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1819 अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ 1718 इज इंक्लूडेड। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन 2 टाइप्स का होता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको करंट पीरियड एज वेल एज प्रायर पीरियड जितने भी पीरियड्स कवर होते हैं एवरी पीरियड के ऊपर हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। एज गुड एज हमको एवरी पीरियड यानी कि समझो 17-18 का ऑडिट है तो 16-17, 15-16 एवरी पीरियड को हमको सेपरेटली कंसिडर करके ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है डिटेल इन्फॉर्मेशन। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में जो प्रायर पीरियड्स होते हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में प्रायर पीरियड का डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है इक्वल इम्पॉर्टेंस। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में प्रायर पीरियड और करंट पीरियड दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में प्रायर पीरियड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। थर्ड पॉइंट है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। सिंस हमको एवरी पीरियड पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो हम लोग ईच पीरियड भले ही वो प्रायर पीरियड हो या करंट पीरियड हो ईच पीरियड को सेपरेटली कंसिडर करते हैं, जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में इट इज़ जस्ट अ कंपेरिजन तो हम उसको सेपरेटली कंसिडर नहीं करते। लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया एवरी पीरियड पे हमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, लास्ट पॉइंट वही बोलता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमको करंट पीरियड एज वेल एज प्रायर पीरियड दोनों को रेफर करना है इंट्रो और ओपिनियन पैरा में, और करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड को रेफर करना है। अभी हम लोग देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF। ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहला ऑडिटर को ये देखना है। सेकेंड चीज़ क्या देखना है? इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझो कार लोन है एक जो हमारा आउटस्टैंडिंग है 12 मंथ्स का। अभी 12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है तो वो होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। हमें ये देखना है कि वो शॉर्ट टर्म में ही दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें ये बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट का पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 17-18 का ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, 17-18 का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो है 16-17 का। अभी हमें क्या करना है? 16-17 का ऑडिट रिपोर्ट उठाना है। 16-17 के ऑडिट रिपोर्ट में जो यहाँ पे अमाउंट्स दिए गए हैं
और यहाँ पे जो हमने कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में अमाउंट्स है, ये दोनों को मैच करना है, ये दोनों एग्री करते हैं कि नहीं, एग्री यानी कि सेम है कि नहीं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें हमें देखना है प्रायर पीरियड यानी कि 16-17 में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है और करंट पीरियड यानी कि 17-18 में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, दोनों सेम है या नहीं। अगर कुछ चेंज है तो वो चेंज का प्रॉपरली अकाउंटिंग है कि नहीं और प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। एग्जांपल लेते हैं, समझो 16-17 में हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज़ किया है स्टॉक वैल्यूएशन के केस में, हमें क्या देखना है अभी 17-18 में भी वेटेड एवरेज फॉलो किया है कि नहीं। अगर हमने वेटेड एवरेज फॉलो नहीं करके फीफो फॉलो किया है तो हमें क्या देखना है, उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग हुआ है या नहीं, चेंज जो हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी में उसका प्रॉपर अकाउंटिंग है कि नहीं और उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं। अगर हमको ऑडिट के दौरान कुछ डाउट आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं तो हमें क्या करना है, इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉसिबल मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं ऑडिटर को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऑडिटर को क्या करना है, परफॉर्म सच एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एज आर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंस। कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस के बेस पे। अच्छा, उसमें सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, अगर प्रायर पीरियड यानी कि 16-17 उस पीरियड में भी हमने ही ऑडिट किया था तो हमें ऐसे 560 का भी ध्यान रखना है। इफ द ऑडिटर हैज ऑडिटेड द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही शेल ऑल्सो फॉलो द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 560। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है मैनेजमेंट से, जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमको करंट पीरियड एज वेल एज प्रायर पीरियड्स जितने भी पीरियड कवर होते हैं एवरी पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है मैनेजमेंट से। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑडिटर शल इन केस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑल पीरियड्स का मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है, और इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ करंट पीरियड का हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है मिसस्टेटमेंट इन कंपैरेटिव्स। पहले जो हमने पॉइंट देखा था वो था पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, हमको पता नहीं था मिसस्टेटमेंट है या नहीं। उसके बाद हमने जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें मैनेजमेंट को बताना है कि ये मिसस्टेटमेंट है। अगर मैनेजमेंट उसको रिजॉल्व करता है, मैनेजमेंट एग्री करता है उस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करने से, तो हमें क्लीन रिपोर्ट देना है यानी कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट डिसएग्री करता है, मैनेजमेंट बोलता है कि ये मिसस्टेटमेंट नहीं है उनके हिसाब से, तो हमें क्या करना है, हमें अपना मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। अगर प्रायर पीरियड में मिसस्टेटमेंट है तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमें प्रायर पीरियड का ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। अगर जो प्रायर पीरियड में मिसस्टेटमेंट है उस पीरियड का इफेक्ट, उस मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट करंट पीरियड को भी अफेक्ट करता है, तो हमें करंट पीरियड का भी क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। इफ देयर इज इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर एज वेल क्वालिफाइड फॉर करंट ईयर ऑल्सो। अभी हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच के केस में हमें क्या करना है। हमने शुरू शुरू में देखा था करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड यानी कि 17-18 के ऊपर ही ओपिनियन देना है। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, समझो 16-17 का सेल्स था 50 लाख और 17-18 का 60 लाख। अभी क्या हुआ है करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में, ये जो 16-17 का 50 लाख सेल है उसकी जगह हो गया है मिसस्टेटमेंट की वजह से 5 लाख, ठीक है। अभी हमारा कंपैरिजन जो है वो डिफीट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेल्स इंक्रीमेंट एक्चुअल क्या है 50 लाख से 60 लाख, बट यहाँ पे कंपैरिजन में क्या दिख रहा है 5 लाख से 60 लाख, इतना ग्रोथ नहीं है।
सेल में, इस वजह से हमें क्वालिफाई करना है। 17-18 के ऊपर जो हम ओपिनियन देखें वो हमको क्वालिफाई करना है और रीज़न में ये बताना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाई बिकॉज इट इम्पैक्ट्स कंपैरिजन। देखा हमने एग्जांपल में 5 लाख से 60 लाख, ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, हमें 17-18 का ओपिनियन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ है या नहीं। पहले हमें देखना है लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ है या नहीं। अगर लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ है, लास्ट ईयर का ऑडिट भी हमने ही किया था, तो हम लोग लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है या फिर लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो हम उसको रेफर नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है या फिर नहीं परफॉर्म हुआ है, तो हम लोग उसको रेफर नहीं कर सकते। अभी लास्ट पॉइंट, अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने परफॉर्म किया है, तो हमें 3 चीज़ें अदर मैटर पैराग्राफ में रिपोर्ट करनी है। पहला, नेम ऑफ ऑडिटर। दूसरा, उस ऑडिटर ने क्या ओपिनियन एक्सप्रेस किया था वो। और तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट का डेट। अभी हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन। कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है, टू और मोर पीरियड्स का कंपैरिजन। टू और मोर कंपनीज का कंपैरिजन नहीं कवर होता। इन्फॉर्मेशन का मतलब इस स्टैंडर्ड में होता है अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद हमने क्या देखा, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के टाइप्स। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो टाइप का होता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सबसे मेन पॉइंट याद रखने लायक है, करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमको एवरी पीरियड जो कवर होता है, यानी कि प्रायर पीरियड्स एज वेल एज करंट पीरियड, एवरी पीरियड पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। इसके बाद हमने देखा डिफरेंस, जो आप खुद ही एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल FRF इंक्लूडेड है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकेंड पॉइंट हमने क्लासिफिकेशन के ऊपर देखा था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट हमने देखा था करेंट पीरियड का हम जो ऑडिट कर रहे हैं उसको और लास्ट पीरियड के ऑडिट रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने अकाउंटिंग पॉलिसी पे देखा था, एग्जांपल स्टॉक वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज और इसका फीफो का एग्जांपल देखा था। उसके बाद हमने देखा अगर ऑडिटर को डाउट होता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ऑडिटर को क्या करना है, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एज आर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद हमने देखा अगर हमने प्रायर पीरियड का भी ऑडिट हमने ही किया है, तो हमें ऐसे 560 का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में हमको एवरी पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट से, जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमको सिर्फ करंट पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है। अभी हम लोग ने जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आए कि कुछ मिसस्टेटमेंट है कंपैरेटिव में, तो हमको मैनेजमेंट को बताना है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैनेजमेंट एग्री करता है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हमको क्लीन रिपोर्ट देना है। अगर मैनेजमेंट डिसएग्री करता है, वो मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करता, तो हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। सिंस हमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में एवरी पीरियड पे ओपिनियन देना होता है, तो हमें प्रायर पीरियड में जो मिस स्टेटमेंट है उस केस में प्रायर पीरियड का ओपिनियन क्वालिफाइड करना है। और अगर वो उस मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट करंट पीरियड पर भी है, तो हमें करंट पीरियड का भी ओपिनियन क्वालिफाई करना है। जबकि करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में हमने एग्जांपल देखा था सेल्स का, ठीक है, उस केस में अगर कंपैरिजन डिफीट होता है, तो हमें करंट पीरियड पर जो ओपिनियन देना होता है उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमने देखा अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में लास्ट ईयर का ऑडिट हमने परफॉर्म किया है, तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। लास्ट ईयर का ऑडिट अगर नहीं परफॉर्म हुआ है या फिर किसी और ने किया है, तो हम उसको रेफर नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट हमने देखा था अगर प्रायर पीरियड का ऑडिट किसी और ने परफॉर्म किया है,
तो हमें अदर मेटा पैराग्राफ में तीन चीज़ें रिपोर्ट करनी है, ऑडिटर का नाम, ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया था और ऑडिट रिपोर्ट का डेट।